नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? टेंजेंट ऑफ एन एंगल. ऑफ एन एंगल, अच्छा एंगल मतलब इंटीरियर एंगल. ट्रायंगल इसको तुम ऐसे लिखना, ठीक है? टेंजेंट ऑफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय थ्री लाइंस. ठीक है, तो ये करना है मुझे. ओके, तो देखो इसमें कुछ तरीका है कैसे करना है, कुछ स्टेप्स हैं. पहले तो मैं स्टेप लिख देता हूँ. क्या मैंने बोल दिया? सबसे पहला फर्स्ट स्टेप, तो तुम क्या करो कि तुम मैंने एल वन एल टू एल थ्री को इस तरह से रीअरेंज करो कि उसके स्लोप्स डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए. डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए इसका मतलब बड़े से छोटा हो जाए. ओके, तो मतलब मैंने क्या बोल दिया, अरेंज. मैं समझाऊंगा हो क्या रहा है. अरेंज द लाइन एल वन एल टू एल थ्री इन डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्लोप. मतलब ऐसे बोल दिया, एम वन ग्रेटर देन एम टू ग्रेटर देन एम थ्री. ठीक है, उसके बाद में क्या है सेकेंड स्टेप? सेकेंड स्टेप कुछ नहीं है, बाद में उनके बीच का जो टेंजेंट ऑफ एन एंगल क्या हो जाएगा, ऐसे लिखोगे टेन ए इज इक्वल्स टू, सिंपली ऐसे लिखो एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू. अच्छा, इसमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, टेन बी इज इक्वल्स टू एम टू माइनस, देखो साइक्लिक ऑर्डर में जा रहे हैं, वन टू थ्री, ये हो जाएगा एम टू, ये हो जाएगा एम थ्री. सिमिलरली यहाँ पर कितना हो जाएगा, टेन सी इज इक्वल्स टू एम थ्री माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम थ्री एम वन. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, तो सबसे पहला क्या करना है तुम्हें, लाइंस को ऐसे रीअरेंज करो कि बड़े से लेके छोटा स्लोप हो जाए. उसके बाद में बड़ा स्लोप को तुम एम वन मान लो, छोटे उसके उसके जस्ट सेकेंड स्लोप को तुम एम टू मान लो, और उसके लास्ट जो सबसे छोटा स्लोप है उसको सी मान, इसको ये मान लो एम थ्री मान लो, और उसके बाद तुम यहाँ से टेन ए टेन बी टेन सी निकाल सकते हो. ओके, अच्छा ये हो कैसे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ एक डायग्राम बना लेता हूँ. ऐसे डायग्राम बनाया, ठीक है, देखते जाओ ए बी सी कैसे बना रहा हूँ. मैंने चलो ये ऐसे बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया चलो अल्फा वन है, ठीक है, जिसका स्लोप कितना हो जाएगा एम वन, ठीक है, दैट इज टेन अल्फा वन. ठीक है, दूसरा मैंने चलो ऐसे ले लिया इस तरह से, ये कितना हो जाएगा अल्फा टू. ठीक है, तीसरा मैंने कुछ ऐसे ले लिया, थोड़ा सा और इसको इंक्लाइन कर देते हैं, इस तरह से ले लिया ये, मतलब ऐसे इसको मीट कर रहा है ये. ठीक है, ये कितना हो गया, अल्फा थ्री हो गया. अच्छा, ऐसे बनाने का मतलब क्या है, तुम देखो ध्यान दो, मुझे बताओ किसका स्लोप सबसे बड़ा होगा. सबसे बड़ा स्लोप जो होगा वो अल्फा वन का ही होगा. क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे मैंने तुमको बताया था, जैसे जैसे लाइन इस तरह से मूव करती है, ठीक है, जैसे जैसे लाइन ऐसे मूव करती है कि उसका क्या होता है, स्लोप बढ़ता रहता है. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैंने ये ले लिया एम वन ग्रेटर देन एम टू ग्रेटर देन एम थ्री. आई होप ये चीज़ समझ में आ रही है. ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका इंक्लिनेशन अल्फा वन इंक्लिनेशन ज़्यादा है अल्फा टू से, इसका इंक्लिनेशन ज़्यादा है, इसके वजह से टेन अल्फा वन ज़्यादा है टेन अल्फा टू से, और ये ज़्यादा है टेन अल्फा थ्री से. ये तो ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, तो यहीं पे समझ में आ जाना चाहिए लाइन देखते से, ठीक है, लाइन का शेप देखते से समझ में आ जाना चाहिए क्या हो रहा है ये. ठीक है, अब मैंने क्या किया, तुम देखो ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है ट्रायंगल. ये इसको ए ले लिया, इसको चलो बी ले लिया, और इसको चलो क्या ले लिया, सी ले लिया. तो अगर मैं पूछ रहा हूँ एंगल, इनके बीच का जो एंगल होगा तो एंगल कैसे होगा, तो देखो ये एंगल है, इस एंगल से मतलब है ये, तो ये एंगल तो यही एंगल है, ठीक है, इसके नीचे वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो ए एंगल को मैं कैसे लिखूंगा, एंगल ए अभी थोड़ी देर पहले लिखा था हमने, एंगल ए प्लस दैट इज सम ऑफ अदर टू एंगल्स इज इक्वल्स टू, इस तरह से हो गया, दैट इज सम ऑफ अदर टू एंगल्स अदर टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू वन एक्सटर्नल एंगल. तो यहाँ से एंगल ए कितना हो गया, अल्फा वन माइनस अल्फा टू, बस ये आ गया. उसके बाद तुम क्या करोगे, यहाँ पर टेन ले लो, टेन ले लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन अल्फा वन माइनस अल्फा टू. जब तुम ओपन करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर टेन अल्फा वन माइनस टेन अल्फा टू अपॉन वन प्लस टेन अल्फा वन टेन अल्फा टू. उसको तुम रखोगे तो एम वन माइनस एम टू, जो यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है, जिसको मैं अभी बॉक्स कर रहा हूँ. ठीक है, वैसे सिमिलरली बी कैसे लिखोगे, देखो बी को मैंने ऐसे लिखा, ये जो बी जो है अब इस पे ध्यान दो, देखो ये दो लाइन पे ध्यान दो, ये वाली लाइन पे ध्यान दो और ये वाली लाइन पे ध्यान दो. तो ये वाली लाइन पे ध्यान दोगे तो देखो ये जो बी है और ये जो अल्फा थ्री, इस पे रिलेशन आ जाएगा एंगल बी प्लस अल्फा थ्री, ठीक है, सम ऑफ
अदर टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना हो जाएगा अल्फा टू. वैसे ही फिर सेम यहाँ पर बी कितना हो गया, बी इज इक्वल्स टू अल्फा टू माइनस अल्फा थ्री. मतलब मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो आ रहा है साइक्लिक ऑर्डर में, वन टू आया फिर टू थ्री आया. अब मुझे क्या करना है, सी के लिए देखना है. तो सी के लिए मुझे बताओ कैसे देखूंगा मैं. सी के लिए सी जो है ये तो कौन सा एंगल है, यहाँ पर इस तरह से ये वाला एंगल है, ये तो ये एंगल है सी. देखो ध्यान दो जरा, ये वाला एंगल है सी, ठीक है. तो अगर सी ये वाला एंगल है तो ये वाला एंगल कितना होगा, अगर ये सी है तो ये वाला एंगल कितना होगा, पाई माइनस सी हो जाएगा. समझ में आया क्या किया, ठीक है, पाई माइनस सी हो गया. तो अगर ये वाला पाई माइनस सी है फिर मैंने क्या देखा, किसके लिए देख रहा हूँ ट्राइंगल, ये वाले के लिए देख रहा हूँ. देखो देखो जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, चलो कलर चेंज कर दिया, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ ये और ये, ठीक है, इसके लिए ये एंगल है ये. तो इसके लिए क्या लिखूंगा, पाई माइनस सी प्लस अल्फा थ्री इज इक्वल्स टू अल्फा वन. ये चीज समझ में आना चाहिए क्या कर रहा हूँ, ठीक है. उसके बाद यहाँ पर सी कितना हो जाएगा, सी इज इक्वल्स टू, ठीक है, सी को उधर लेके जाऊंगा तो यहाँ पर रह जाएगा पाई प्लस अल्फा थ्री माइनस अल्फा वन. तो इसमें एक एडिशनल पाई आ रहा है, पर एडिशनल पाई आने से कुछ नहीं होगा क्योंकि जब तो यहाँ पर टेन लोगे तो ये कितना हो जाएगा, टेन सी इज इक्वल्स टू टेन पाई प्लस अल्फा थ्री माइनस अल्फा वन. सही है ये, ठीक है, अल्फा थ्री माइनस अल्फा वन. तो तुम मुझे बताओ ये कितना होता है, पाई प्लस थीटा कितना होता है, पाई प्लस टेन, पाई प्लस थीटा तो हमेशा क्या होता है, टेन थीटा ही होता है. तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, टेन अल्फा थ्री माइनस अल्फा वन. बस जैसे अल्फा थ्री माइनस अल्फा वन आ गया, इसका मतलब ये साइक्लिक ऑर्डर में आ चुका है. साइक्लिक ऑर्डर में आने का मतलब ये है कि हमने जो किया अभी तक सब सही है. आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, इन सबको याद कर सकते हो. कैसे करना है कि तुम सबसे पहले लाइंस को ऐसे रीअरेंज कर दो उसके स्लोप के डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा. उसके बाद फिर क्या करो, जो बड़ा है उसको M1 मान लो, जो छोटा है उससे जस्ट रिलेटिवली छोटा है जैसे बीच वाला, ठीक है, वो क्या होगा M2 हो जाएगा. और जो लास्ट जो सबसे छोटा है वो क्या हो जाएगा, M3 हो जाएगा. उसके बाद में टेन ए निकालो, टेन बी निकालो, टेन सी निकालो, ठीक है. आई होप समझ में आ रहा है. क्या करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं. ट्रायंगल है जो बन रहा है इन तीनों लाइन से. देन ऑब्टेन द क्यूबिक इक्वेशन व्हिच रूट्स आर द टेंजेंट ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल. तो क्यूबिक इक्वेशन फाइंड करना है, मतलब बेसिकली मैं क्या करूंगा, पहले टेन ए टेन बी टेन सी निकाल देता हूँ, उसकी जो वैल्यू आएगी उससे मैं क्यूबिक बना सकता हूँ, ठीक है. अच्छा क्या बताया था मैंने, अच्छा एक चीज याद रखना है, जो टेन ए लिया था, जो टेन बी लिया था, जो टेन सी लिया था, उसमें मॉड नहीं लगाया था. क्योंकि अगर तुम मॉड लगाओगे तब तो वो हमेशा ही पॉजिटिव आ जाएगा. नेगेटिव आ सकता है, क्यों आ सकता है नेगेटिव, हो सकता है कि कोई ट्रायंगल ऑप्टिमस ट्रायंगल बन रहा हो उसके लिए तो आ सकता है नेगेटिव, ठीक है. तो चलो चालू कर दिया सॉल्यूशन. आई डोंट लाइक दिस कलर, कौन सा ले, चलो ठीक है. ये कोई ट्रायंगल, क्या बताया था, लाइंस को इस तरह से अरेंज करो कि उनके स्लोप कितने हो जाए, बड़े से छोटा जाए. तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, देखो देख के बताओ. इसका स्लोप है जो होगा m इज इक्वल्स टू माइनस टू. कैसे देख रहे हो, माइनस बी बाय ए, देख के आ जाना चाहिए स्लोप, माइनस बी बाय ए. इसका स्लोप कितना है, स्लोप इज इक्वल्स टू वन है. इसका स्लोप कितना है, m इज इक्वल्स टू थ्री है, ठीक है. अब तुम देखो सबसे बड़ा स्लोप कितना है, सबसे बड़ा स्लोप इसका है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है. तो यहाँ से m1 कितना हो गया, m1 इज इक्वल्स टू थ्री हो गया, m2 इज इक्वल्स टू वन हो गया, m3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस टू हो गया. बस बड़े से लेके छोटा लिख दिया. अब क्या करो, लिखते जाओ tan a. tan a कितना होगा, tan a विल बी m1 माइनस m2. चलो लिख लिया एक बार, m1 माइनस m2 अपॉन वन प्लस m1 m2, ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 1, तो ये जाएगा 2 बाय 4, दैट इज ये कितना हो गया, हाफ. फेयरली सिंपल. वैसे क्या करो, tan b निकाल लो. तो tan b कितना हो गया, m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m2 m3. तो m2 कितना है, 1 माइनस ऑफ माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस वन इंटू टू, ठीक है. ये माइनस कैसे आ रहा है, ये माइनस टू की वजह से. तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर थ्री आ गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस वन आ गया, तो ये कितना हो गया, माइनस थ्री आ गया, ठीक है. उसके बाद में क्या किया, टेन सी निकाल लिया. टेन सी कितना हो जाएगा, एम थ्री माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम थ्री एम वन, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस टू माइनस थ्री अपॉन वन प्लस, दोनों माइनस नहीं है, ठीक है. ये कितना है, माइनस टू इंटू थ्री, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस
5 और ये भी कितना हो जाएगा 1 माइनस 6 ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा माइनस 5, तो ये कितना आ गया 1, कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, टेन ए आ गया, टेन बी आ गया, टेन सी आ गया। अब मुझे एक ऐसी क्यूबिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स क्या हैं ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिया करो और या तो लिख लिया करो ठीक है, पॉज करके, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख लिया करो। अच्छा क्या कर रहे थे, हाँ क्या करना है, क्यूबिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स कितने हैं, ये तीनों रूट्स हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन कैसे बनाओगे, बस x माइनस हाफ इंटू ये कितना हो जाएगा x माइनस ऑफ प्लस ये 3 हो गया, ये कितना हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 ये आ गया इक्वल्स टू 0। अब तुम क्या कर सकते हो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, यू विल हैव द फाइनल आंसर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आ सकते हैं कभी इस तरह के क्वेश्चन तो हमें समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर पोजिशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, लिख लेते हैं पोजिशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन ठीक है। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि कोई गिवन लाइन है यहाँ पर और गिवन लाइन के रिस्पेक्ट में क्या पोजिशन है ठीक है। तो मैंने क्या बोला, चलो एक एग्जांपल के फॉर्म में ले रहा हूँ मैं, मैंने एक यहाँ पर लाइन ले ली x प्लस यहाँ पर 3y इज इक्वल टू 6 ऐसे कुछ लाइन ले ली। तो इसको तुम प्लॉट करो, प्लॉट कैसे करोगे, x को तुम 0 पुट करो तो y कितना आ गया 2, y को तुम 0 पुट करो तो x कितना आ गया 6। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, कर सकते हो ये अपने आप। तो ये कितना आ गया, एक तो 0.2 इधर आ गया और एक तो 6.0 ऐसे कुछ आ गया, ये इस तरह से लाइन बन गई है ठीक है। ये कितना हो जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 हो गया ओके, ऐसा कुछ हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर चलो कोई पॉइंट लिया, एक पॉइंट तो मैंने चलो इधर ही ले लिया ठीक है, कौन सा वाला पॉइंट ले लिया यहाँ पर, ऐसे ले लिया कुछ 3.1 ठीक है, और एक मैंने यहाँ पर ले लिया कुछ 4.2 और एक मैंने यहाँ पर क्या ले लिया कुछ भी लेट से 1.1 ठीक है फाइन। तो मुझे ये बताओ, समझो अगर मैंने इस लाइन में 3.1 रख दिया ठीक है, ऐसे लिखा 3.1, तो इसका मतलब क्या है कि x के जगह मैंने 3 डाल दिया, y के जगह मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया 1 डाल दिया, ये इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 3+3 इज इक्वल टू 6, मतलब सही है, सही भी है क्योंकि जितना पॉइंट लाइन पर लाई करता है उसके लिए तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई कर देना चाहिए ठीक है। इस तरह से सेटिस्फाई करा दिया इसको, एक्चुअली बेसिकली इसको ऐसे लिखना चाहिए, कैसे, इस 6 को इधर लेके आके इसको इक्वल टू 0 कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये इक्वल टू 0 आ गया, तो यहाँ से मुझे क्या बन गया L31 इज इक्वल टू 0। सही है, 0 क्यों होगा, 0 इसलिए हो रहा है क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह से लिखते हैं ठीक है, इस लाइन को इस तरह से ले आओ, जनरल इक्वेशन में तो ऐसे ही होता है ना, जनरल इक्वेशन में तो क्या होता है ax + by + c एक साइड होता है और इस वहाँ पर इक्वल टू 0 होता है, तो ये वाला तो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इसको, सही है। फिर मैंने क्या किया 4.2 चेक किया, तो 4.2 कैसे चेक करूंगा, यहाँ पर क्या कर दूंगा, x की जगह 4 रख दिया प्लस फिर y की जगह यहाँ पर क्या रख दिया 2 रख दिया, फिर ये कितना है माइनस 6, तो यहाँ पर क्या कैलकुलेट किया मैंने, ये कितना हो जाएगा 4, ये 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ गया ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। नेक्स्ट मैंने क्या किया, यहाँ पर 1.1 रखा, 1.1 रखा एक बार, तो ये देखा यहाँ पर 1 आ गया, ये कितना हो जाएगा 3, ये 1 आ गया, ये कितना माइनस 6, तो यहाँ पर कितना आ गया -2 < 0। इसका मतलब ये है कि जितने भी पॉइंट्स होंगे जो लाइन के इस साइड हो रहे हैं, देखो ध्यान दो यहाँ पर, जो लाइन के इस साइड हैं उसके लिए तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा अगर तुम लाइन में रखोगे तो ठीक है। जनरल इक्वेशन बनाने के बाद ठीक है, जनरल इक्वेशन बनाने के बाद मतलब राइट हैंड साइड 0 करने के बाद सारा टर्म LHS में होना चाहिए, और अगर तुम जितने पॉइंट्स यहाँ रखोगे तो उसके लिए क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, लाइन क्या कर रहा है, एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक पार्ट के लिए ऊपर वाले पार्ट के लिए तो पॉजिटिव हो रहा है, नीचे वाले पार्ट के लिए क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, और जितने जितने पॉइंट लाइन पे लाई करेंगे उसके लिए तो ऑब्वियसली 0 हो गई, मतलब वो डिसाइडिंग फैक्टर है कि वहां पर 0 है, उससे ऊपर पॉजिटिव, उससे ऊपर, उससे नीचे नेगेटिव ठीक है, सही है, समझ में आ रहा है ये। पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला पार्ट ऊपर है, कौन सा वाला पार्ट नीचे है। तो तुम बोलोगे कोई भी लाइन बना दो, उसके ऊपर वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव देगा, उसके नीचे वाला पार्ट हमेशा नेगेटिव देगा, तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि वो तो मेरी मर्जी ना, मैं लाइन की इक्वेशन को कैसे लिखूं। इसका मतलब ये है, समझो ये अभी जो मैंने लाइन की इक्वेशन क्या लिखा, कैसे लिखा था,
एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। उसके लिए क्या हो रहा था, जितने पॉइंट्स ऊपर लाई कर रहे थे, ठीक है, अबाव लाइन, उसके लिए तो क्या हो रहा था कि एल पॉजिटिव आ रहा था,